सुनवाई में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें जमीन विवाद, बंटवारा नामा और शासकीय योजनाओं की शिकायतों की संख्या ज्यादा रही। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। सदर संजय गांधी नगर बस्ती से जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने बताया कि मीठे पानी की सप्लाई नहीं है, लोग परेशान हैं और कैंट बोर्ड के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सदर संजय गांधी नगर से आए हैं। क्षेत्रीय विकास समिति के माध्यम से हम अपनी बस्ती में पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर साहब महोदय से ये दूसरी बार मिलने आए हैं। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिए थे कि हम आपकी समस्या पर ध्यान दिए, मगर सर एक महीना दो महीना हो गया, आज तक हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न कंटोनमेंट प्रशासन ने हमारी समस्या पर कोई ध्यान दिया गया। हमारी आपसे प्रार्थना है, क्या क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या है। विगत 10-12 वर्षों से पानी क्षेत्रीय संजय गांधी नगर बुछड़ी के पीछे के नागरिकों को 10-12 सालों से नल का पानी नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार कुंडम से आए किसानों ने किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की शिकायत की और सिहोरा से आए एक पत्नी पीड़ित व्यक्ति ने सिहोरा थाने की पुलिस की शिकायत की। सर मेरी वे पीएम किसान निधि योजना है, वो 16 माह से आना बंद हो गई अचानक, और 3-4 बार मैं अप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं कलेक्टर साहब को। यहाँ से अप्लीकेशन जाती है तहसीली और तहसीली से गोल हो जाती है, कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। अब मुझे किसान सम्मान निधि में मेरी चालू हो जाए। जन सुनवाई के नाम पे जहाँ आवेदन दिया जाता है वहाँ से थाने भेज दिया, वेरिफिकेशन किया और अलग कर दिया। हमारी पत्नी 2017-2018 से अलग रह रही है और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। यदि पत्नी को रहना है तो वो हम जाके कोर्ट में बोले कि हमको नहीं रहना, और नहीं रहना तो हमको जो छुट्टी दे। वो 5-6 साल हो गए और 6 साल के बीच में उसने किसी प्रकार का कोई भी छुट्टी दे नहीं रही है और परेशान कर रही है। जन सुनवाई में पहुंची शिकायतों में शासकीय योजनाओं की बदहाली की शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही। वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर शोर मचाकर लोगों को परेशान करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। इसके लिए जबलपुर में पुलिस का अभियान जारी है। एक्शन मोड पर आई पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन चालकों को पकड़कर न सिर्फ वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर निकालने और जब्त करने की कार्रवाई कर रही है, बल्कि वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। ये अभियान जिले में लगातार जारी है। जबलपुर पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसरों को हटाने को लेकर अभियान चला रही है। सड़क पर अगर कोई वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ बाइक चलाते हुए मिलता है तो उस पर न सिर्फ चालानी कार्रवाई की जा रही है, बल्कि वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर को निकाल कर जब्त किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन कार्रवाई जारी है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसके लिए चेकिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत ओमती, बेलबाग और सिविल लाइन थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने 1 दर्जन बुलेट मोटरसाइकिलों को जब्त किया और वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर जो बुलेट मोटरसाइकिलों में या अन्य बाइकों में लोग चल रहे हैं उसकी कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। थाना ओमती में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पूर्व में हम लोगों के द्वारा दुकानों में भी रेड की गई थी। अभी कल भी 6-7 गाड़ियों का चालान किया गया था, साइलेंसर निकलवाए गए थे। आज भी लगभग 10 गाड़ियां थाने भिजवाई गई। उनको चेक करने के बाद जिनका मानक के अनुरूप नहीं था उनका चालान की कार्रवाई की जा रही है। जिले में पिछले कई दिनों से यह अभियान लगातार चल रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों के साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर बनाने और बेचने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसा है। जागृत शक्ति मंच की महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान न की जाए, इससे धार्मिक और सामाजिक ताना-बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी प्रकरणों पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन इस संबंध में विरोध के स्वर भी पूरी ताकत के साथ उठ रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के जागृत शक्ति मंच की महिला सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता ना दी जाए, इससे सामाजिक ताना-बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो समलैंगिक विवाह के बारे में जो एक याचिका दायर की गई है,
और उसके उपलक्ष्य में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं। और ज्ञापन में हमारा मतलब यही है कि हम तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो समलैंगिक विवाह के लिए जो हमारे पारस्परिक जो हमारे मतलब जो हमारे समाज में इससे कुरीतियाँ पैदा होगी, दत्तक विवाह दत्तक जो लेते हैं बालिका बालिकाओं को उसमें समस्या आएगी, हमारे सामाजिक संस्था पे ये कुटाराघात होगा और हमारे सामाजिक जो मतलब नियम बनाए हैं कानून बनाए हैं उसके ऊपर आघात होगा। महिला संगठन का कहना है कि इस मामले में उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में पानी भर गया जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बेमौसम हुई बारिश ने नगर निगम के नाला नाली सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी। आलम ये रहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में तक पानी भर गया, पूरा परिसर तालाब की तरह नजर आने लगा। पानी की निकासी नहीं हो पाने के कारण घंटों पानी भरा रहा। कलेक्ट्रेट के चारों तरफ की नालियां और नाले साफ रहते तो ये स्थिति नहीं बनती। थोड़ी सी बारिश ने जिले के मुख्यालय की ये दशा बना दी जो चर्चा का विषय बनी रही। हम पब्लिक के काम से कलेक्टर परिसर में आए थे तो इधर देखे कि पूरा कलेक्टर परिसर पानी से भरा पड़ा था। जब कलेक्टर परिसर में पानी भरा हुआ है तो शहर का क्या हालत हुआ है ये अब आप लोग जान सकते होंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन इस पर विचार करे और शहर की स्थिति को देखे। आने जाने में यही दिक्कतें हुई हैं कि कलेक्टर परिसर में पूरा पानी भरा था जिससे काम प्रभावित हुआ है लोगों का। शहर के कई इलाकों में हुई जलभराव की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम स्वच्छता विभाग में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, फील्ड में कम कागजों पर सफाई ज्यादा हो रही है। आज जनता के सामने नगर निगम के अधिकारियों की और महापौर की पोल खुल गई क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करना इनका काम रह गया है। सदन में 10 बार बोला गया था कि आप अभी से जल प्लावन की स्थिति को देखते हुए पूरे नालों नालियों को साफ करवा दीजिए, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपने कर्मचारी तो बढ़ा लिए मगर काम देख नहीं रहा है। जिस प्रकार से आज आंधी तूफान आया था और पानी लोगों के घरों में भरा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सब फेल हो गए। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब जनता को आपने आश्वासन दिए थे, जब चुनाव आप लड़ रहे थे कि मैं जबलपुर को महानगर बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज ये सब सिद्ध हो गया कि आप जबलपुर को क्या बनाने जा रहे हैं। बहरहाल समय रहते यदि आला अफसर नहीं जागे तो बारिश के मौसम में स्थितियां और भी विकट हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर हुआ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बेटियों से संवाद किया। जबलपुर में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाते हुए जन अभियान परिषद के सदस्यों ने रानी दुर्गावती शासकीय कन्या स्कूल में कन्याओं से वृक्षारोपण कराया। इस दौरान जन अभियान परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मी प्रत्येक बेटी के लिए चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना को 16 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। जबलपुर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार की मौजूदगी में शासकीय कन्याशाला परिसर में कन्याओं ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बेटियों के सम्मान में शुरू की गई लाडली लक्ष्मी और अन्य योजनाओं की सराहना की। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं तो पूरे विश्व की एक अनूठी योजना है जिस योजना के माध्यम से जो भी बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होती है, पैदा होते ही वो लखपति बनने के मार्ग पर चल पड़ती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर इन लाडली लक्ष्मियों के साथ वृक्षारोपण भी किया, 4 पौधे हम लोगों ने यहाँ पर रोपे और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे ये लड़कियाँ बढ़ेंगी उसी अनुपात में वो पौधे भी बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। मदन महल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कमला नेहरू नगर में एक सूने घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
घर मालिक के मुताबिक चोर घर में रखे लाखों रुपए कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर गए। इस घटना की शिकायत घर मालिक ने मदन महल थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मदन महल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कमला नेहरू नगर के पौश इलाके में एक सूने घर में चोरी की वारदात सामने आई है। मंगलवार की सुबह इस घटना का पता तब चला जब घर मालिक संजीव यादव पुणे से वापस अपने घर जबलपुर लौटे। संजीव के घर के ताले टूटे पड़े थे और घर के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने तत्काल घर में चोरी हो जाने का अंदाजा लगाया और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था। संजीव ने बताया वो पुणे में काम करते हैं। संजीव के मुताबिक उनके घर में चोरों ने लाखों रुपए कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। आज मेरे घर में चोरी की घटना हो गई, जिसमें लगभग 7 लाख के आसपास का गोल्ड और 1 लाख के आसपास का नगद चोरी हुआ है। मैं 4 अप्रैल को अपनी जॉब के लिए पुणे चले गया था, लेकिन घर पे किराएदार रहते थे और किराएदार भी बीमार होने के कारण 27 तारीख को घर से निकल गए। तो जो घटना हुई है 27 तारीख से लेके आज मॉर्निंग के बीच की हुई है, जिसमें जब मैं मॉर्निंग में आया तो मैंने देखा कि घर मेरा खुला हुआ है, पूरा दरवाजे खोले हुए थे। तो जब मैंने अंदर जाके देखा तो मेरी पूरी अलमारी खुली हुई रही। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऊपर का भी जाके अपना चेक करूं, तो ऊपर का घर का भी ताला टूटा हुआ था और सारी ज्वेलरी उनकी भी चोरी हो गई थी। गुलहुआ फाटक के पास में कमला नेहरू नगर क्षेत्र कहलाता है, वहाँ संजीव यादव नाम के व्यक्ति रहते हैं जो पूना में इस समय जॉब कर रहे हैं। उनके फादर 2 माह पहले बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार गए थे और उनका ताला घर पे लगा हुआ था। आज ये बालक पूना से जब आया तो इनके घर के ताले टूटे पाए गए। ऊपर एक किराएदार रहते हैं, उनका कहना ये है कि वो 27 तारीख को अपने घर पे ताला डाल करके और कहीं रिश्तेदारी में गए हुए हैं। इस तरह 27 तारीख से आज 2-5 के बीच में रात में ताला तोड़ करके उनके घरों से सोने चांदी के जेवरात नकदी वगैरह चोरी हुई। मुकदमा कायम किया गया, मौके की स्थिति देखी गई, डॉग स्क्वाड से भी परीक्षण कराया गया है, CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं, अभी कुछ चेक भी हो गए हैं, जैसा भी सरसब्जी के प्रयास किए जाए। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है और चोरी की पतासाजी का काम शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारी कर्मचारी आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाल रहे हैं। लाडगंज थाना पुलिस ने एक युवक को नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक से 10 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। खास बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी 1 सप्ताह पहले ही जेल से छूटा है। उसे कोतवाली पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लाडगंज पुलिस ने आरोपी को यादव कॉलोनी मरघटाई के पास नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा। आरोपी ने गाड़ी के टूल बॉक्स में नशीले इंजेक्शन छिपा कर रखे थे। लाडगंज थाना पुलिस ने चेरीताल में रहने वाले भूपेंद्र पटेल को नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने भूपेंद्र को यादव कॉलोनी मरघटाई रोड पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा। पुलिस ने उसके दोपहिया वाहन की तलाशी ली तो गाड़ी के टूल बॉक्स में छिपाकर रखे गए नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिसे जब्त कर भूपेंद्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई। लाडगंज पुलिस ने बताया कि भूपेंद्र हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा होकर आया है। बीते दिनों उसे कोतवाली पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़ा था और जेल भेज दिया था। जेल से रिहा होते ही भूपेंद्र दोबारा नशीले इंजेक्शन बेचने का काम कर रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मरघटाई यादव कॉलोनी के पास में ये भूपेंद्र कुमार पटेल निवासी चेरीताल का है, ये अपनी स्कूटी में इंजेक्शन रख करके बेच रहा है, जिसको स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके स्कूटी में से HF डिलक्स स्कूटी है, उसमें से इंजेक्शन की 10 नग मिले हैं और उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया गया। मैं अभी 7 दिन पहले कोतवाली में भी केस में गया था, जो 7 दिन पहले ही अभी छूट के आया। कहाँ से लाना बता रहे, कुछ बता रहे? अभी तो इसमें तस्दीकी चल रही है, जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भूपेंद्र से पूछताछ कर नशीले इंजेक्शन के कारोबार से जुड़े लोगों और इंजेक्शन के सप्लायरों से संबंधित अहम जानकारियां एकत्रित की हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के तमाम नर्सिंग कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंपी है। हाई कोर्ट के निर्देशों के परिपालन में सीबीआई अधिकारियों की एक टीम जबलपुर के शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय में जांच के लिए पहुंची। सीबीआई की टीम की दबिश से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई की टीम द्वारा निरीक्षण किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। इसके बाद सीबीआई की टीम कॉलेज का निरीक्षण कर तमाम पहलुओं पर जाँच कर रही है। टीम ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर नर्सिंग कॉलेज में कितना स्टाफ होना चाहिए, किस तरह की फैकल्टी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा हॉस्टल सहित तमाम सर्टिफिकेशन की जांच की जा रही है। इस आधार पर मध्य प्रदेश के अलग अलग नर्सिंग कॉलेजों में भी इसी तरह से जांच की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले और सीबीआई टीम की कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने और बताने से बच रहे थे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। दैनिक भास्कर समर कैंप में सीखने और सिखाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। वेस्टर्न डांस के बाद